सचिन पायलट की वापसी के बाद राजस्थान में कांग्रेस पर छाया सियासी संकट टल तो गया, लेकिन क्या अभी भी दो खेमों के बीच कोल्ड वॉर जारी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मांग पर अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही 3 सदस्य कमेटी भी गठित की गई है। 3 सदस्यीय कमेटी में माकन के अलावा सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल भी शामिल है। यह कमेटी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आ रही दिक्कतों का समाधान ढूंढेगी। 3 सदस्यीय कमेटी की नियुक्ति पर पायलट ने कांग्रेस का आभार जताते हुए कहा है कि राजस्थान में समन्वय स्थापित करने के लिए अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के रूप में 3 सदस्यीय कमेटी नियुक्त करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमेटी के मार्गदर्शन में राजस्थान में संगठन को एक नई दशा और दिशा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अविनाश पांडे को धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया है। राजस्थान के AICC प्रभारी के रूप में बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अविनाश पांडे को हार्दिक धन्यवाद। पार्टी संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के उनके प्रयास बेहद सराहनीय हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हालांकि उन्होंने अजय माकन को प्रभारी महासचिव नियुक्त किए जाने पर भी बधाई दी है। उन्होंने लिखा, मैं अजय माकन को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनका विशाल संगठनात्मक अनुभव पार्टी को मजबूत बनाने और राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में मदद करेगा। उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। सोनिया गांधी के निर्णय का स्वागत करता हूं। वहीं प्रभारी महासचिव पद से हटाए जाने के बाद अविनाश पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, राजस्थान में बतौर प्रभारी मेरे 3 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्थान की जनता, कार्यकर्ताओं व कांग्रेस परिवार के सभी साथीगण का उनके सहयोग व स्नेह के लिए हृदय से धन्यवाद। राजस्थान की शौर्य भूमि धन्य है। मैं आभारी हूँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी का, जिन्होंने मुझे राजस्थान की जनता की सेवा का मौका दिया। मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए एक निष्ठावान कांग्रेसी के रूप में अपने प्रयासों को जारी रखूंगा। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस पे 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।